देखो जी, एक गलती आपने यहाँ पे जरूर है कि आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं, और पूरा वीडियो ना देखने को वजह से कंफ्यूजन आपके मन में बना रह जाता है। हमने सीधा सीधे साफ तौर पे आपको ये बताया कि जो स्कूटनी इंटरमीडिएट का रिजल्ट है वो 100% आएगा, वो 100% आएगा। फिर आपका ये कंफ्यूजन है कि आखिर कब आएगा, तो देखिए एग्जैक्ट डेट कहना बोल रहे ना कि यह बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर पिछले महीना की बात करें तो पिछले सेशन की बात करें 2023 वाला, तो 2023 वाला भी जून में ही रिजल्ट आया था, 5 जून के आसपास रिजल्ट आया था, 5 जून नहीं 25 मई के बाद रिजल्ट आया था। तो इसका भी रिजल्ट जो है ना 20-25 के बाद ही आएगा, इससे पहले नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिए। लेकिन बिहार बोर्ड के पास जब हमने फोन करा था और कुछ जानकारी लेने का प्रयास किया था, तो वहां पे ये बताया गया था कि रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। महानुभाव, हम आपसे पूछना चाहते हैं, उन्हीं से पूछे हम कि अगर आ गया तो प्लीज लिंक हमारे पास भेज दीजिए कि हम भी चेक कर ले, क्योंकि आ गया तो भाई लिंक हमें मिलना चाहिए ना, लेकिन आएगा तब तो लिंक बताएगा ना, लेकिन आया तो है नहीं। तो इसीलिए ये आप लोग गलत समझ रहे हैं कि हम आपको वो चीजें नहीं बता रहे। दूसरा चीज ये कि हम अप्लाई करें कि नहीं करें, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ग्रेजुएशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं कर लीजिए, अप्लाई कर लिए, लिस्ट में नाम आ गया, एडमिशन भी ले लीजिए, क्योंकि आपका जो स्कूटनी की है वो बाद में आपके जॉब के लिए ही जरूरी है। यहाँ पे कॉलेज वाला जो सिलेक्शन देगा ना आपके एडमिशन के लिए, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी लिस्ट को उठाता है एडमिशन के लिए। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, और इसमें जब आपका मार्क्सिट ग्रेजुएशन का मिलेंगे ना, तो इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिए। अब जो आपका मार्क्स आएगा ना, वो आपके जो आप जॉब करिएगा उसमें आपका ये ज्यादा से ज्यादा मार्क्स की वैलिडिटी और वैल्यूज होते हैं, तो मार्क्स बन के सुधर के। अब 2023 वाला काफी विद्यार्थी को अभी स्कूटनी का मार्क्सशीट नहीं मिला है, तो ये बिहार बोर्ड की वही तो बोले कि कमियां हैं और इस कमी को सुधार कीजिए। हम अपने पाठक साहब से ही कई बार ये बात बोले हैं कि जो कमी है आपके एजुकेशन सिस्टम में उसको सुधार कीजिए, कि मार्क्सशीट टाइम से भेज दिया कीजिए, स्कूटनी रिजल्ट पहले टाइम से दे दिया कीजिए, फिर कंपार्टमेंटल कराइए, फिर उसके बाद जितने मैट्रिक वाले का भी रिजल्ट आप बिगाड़ रखे हैं उनका भी तत्काल जल्दी, क्योंकि विद्यार्थी परेशान है। लेकिन बोर्ड से ये खबर हमें भी है कि 20 तारीख तक लगभग सर्वर पे भी सुधार कर दिया जाएगा, लेकिन जिसका टेंशन ना ले, जिसका जो पहले मार्क्स था वही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये तमाम चीजें हमने प्रॉपर अपने वीडियो में बताते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो ना सुनते हैं ना देखते हैं, थोड़ा सा देख लिए बस चल दी। अरे पूरा पहले तो समझ लीजिए कि हम बोलना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। आप लोगों में से काफी एक गलत फहमी में रहता है कि नहीं हम बोर्ड के कोई कर्मचारी हैं या कोई मंत्री संतरी से हमारा कोई लेना देना है, नहीं हम सिंपल एक टीचर हैं और हमारा काम होता है बच्चों को पढ़ाना। बट जहाँ पे हम देखते हैं कि अपने स्टूडेंट, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा हेजिटेट है और फ्रस्ट्रेट है, तो हम दैट टाइम ये थोड़ा सा क्लियरिटी देने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी हमारा कहीं से भी कंफ्यूज ना रहे और परेशान ना रहे, क्योंकि हमको लगता है कि एक विद्यार्थी अगर कंफ्यूज रहेगा ना, तो आगे चीजें क्या पढ़ना है उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज का मान के चलो कि हम ही कमा रहे हैं, तो काम हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे जेब में पैसा रहे, हमको पैसा सामने से मिले, हम इसलिए काम करते हैं, मतलब ये एक लक्ष्य हो गया। वैसे ही आपका पढ़ाई है, तो आपका मेन लक्ष्य क्या है, मार्क्सशीट, तो मार्क्सशीट आपका सुरक्षित जैसे पहले रिजल्ट था वैसे ही आएगा। अगर नहीं आता है तो आपको क्या लगता है, सुरक्षित इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, बोर्ड के प्रत्येक लोगों पे केस किया जाएगा और सूद समेत वापस लिया जाएगा, अपने मान स्वाभिमान का बदला भी, और जो ठेस और जो तकलीफ ये लोग पहुंचाए हैं, आत्मसम्मान पे जो चोट पहुंची है उसका भी सूद समेत तसला जाएगा अगर इधर उधर रिजल्ट गड़बड़ होता है। इसीलिए भरोसा रखिए हम पे, रास्ता तो हम आपको बताएंगे, चलना आपको खुद है, और जैसे भी चलेंगे ना मंजिल को तो पा ही लेंगे। अरे मंजिल तो हम पा ही लेंगे, भटकते भटकते गुमराह अभी वो है जो घर से बाहर निकले ही नहीं है, समझ रहे ना। तो चीजों पर बस थोड़ा सा अमल करना सीखिए, बाकी रिजल्ट आपका है और सुरक्षित है, आज नहीं तो कल आना सुनिश्चित है। जय हिंद।